अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा समय समय पर कई सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों संस्था द्वारा शिमला में हर्षित हिमाचल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों, स्वयंसेवकों को कई तरह की जानकारी दी गई। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित हर्षित हिमाचल नामक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का समापन हो गया। ये कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया गया। इस मौके पर हिमाचल के विभिन्न जिलों से लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संचालित करने के लिए खास तौर पर राष्ट्रीय आश्रम बेंगलुरु से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक विराट चिरानिया को बुलाया गया था। हर्षित हिमाचल कार्यक्रम का उद्देश्य सभी पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों, अपेक्स मेंबर्स और स्वयंसेवकों को तरोताजा करना था। वहीं इस दौरान उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के विभिन्न सेवा प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों व कैंप को सुचारू रूप से चलाने को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक विराट चिरानिया ने बताया कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनावग्रस्त लोगों को योग, प्राणायाम, ध्यान क्रियाओं के माध्यम से मन की शांति और नव ऊर्जा का अनुभव करवाना है। और ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं हर्षित हिमाचल, बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग के जो मेंबर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, टीचर्स, वॉलंटियर्स, उन सबका एक सम्मेलन है, ताकि हम प्लान कर सके कि हिमाचल के लिए हमें आगे क्या क्या करना है और आर्ट ऑफ लिविंग को हिमाचल में हम ज़्यादा प्रमोशन दे सकें। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम आप हिमाचल में रहते हैं? मैं तो प्रवास करता रहता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज सिखाता हूँ यूथ को और सब जगह। बट कई हमारे टीचर्स हैं जो हिमाचल में ही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग हिमाचल में 20 साल से है, तो जो यहाँ के लोकल टीचर्स हैं वो और हम सब मिलके बैंगलोर आश्रम की तरफ से भी मिलके प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ पे योगा, ध्यान, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के डी एडिक्शन सेंटर्स चलते हैं, ये सेंटर्स बैंगलोर, कैलकटा और जलंधर में हैं। तो इसमें हम ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है अडिक्ट्स के लिए, उनके साथ साथ उनको ध्यान, योग, सुदर्शन क्रिया, इसका एक मिश्रण करके एक सिलेबस उनको देते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी हद तक जो आते हैं यहाँ पे अडिक्ट्स जो नशे में हैं वो ठीक होकर यहाँ से निकलते हैं। तो इस चीज़ को हमें और आगे करना है। श्री श्री रविशंकर बहुत इस बारे में बात करते हैं कि हमें नशा मुक्त करना है हमारे देश को, हमारे युवाओं को, और उसके लिए अगर वो योग से जुड़े, ध्यान से जुड़े, तो मुझे लगता है कि काम आसान हो सकता है, क्योंकि उसके बिना मुश्किल है। हम सिर्फ दवाई के ऊपर सिर्फ अगर हम निर्भर रहेंगे तो मुश्किल लगेगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर सीमा शर्मा और पंकज शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों अभय शर्मा, कमलेश चौहान, उदय शर्मा, हितेश शर्मा, इना चौहान और मीडिया कोऑर्डिनेटर तृप्ता शर्मा ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।